सर लेक पे हम आ गए, शदीद खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं अस्तोर से देवसाई और फिर स्कर्दू। ये जो आपको अस्तोर रिवर नज़र आ रहा है, ये पानी बेसिकली देवसाई की जो स्ट्रीम्स है उसका है, और फिर ये अस्तोर रिवर आगे जाके जगलोड के मुकाम पे दरिया सिंध के अंदर शामिल हो जाता है। अस्तोर से जब हम देवसाई की तरफ जाते हैं, चिलम चेक पोस्ट की तरफ, तो ये हम बुलंदी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि अस्तोर का जो अस्तोर की बुलंदी है वो तकरीबन 8,400 फुट है, और जो चिलम चेक पोस्ट है देवसाई के शुरू में जो आती है उसकी जो हाइट है वो 12,700 फुट है तकरीबन। हम कार पे थे तो हमें तकरीबन 2.5-3 घंटे लगे थे, अगर आप SUV पे हैं तो 2 घंटे में भी तकरीबन आराम से जा सकते हैं चिलम चेक पोस्ट। स्टोर से जो चिलम चेक पोस्ट है उसका फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है, लेकिन रोड कंडीशंस की वजह से तकरीबन 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि रोड है तो सही लेकिन टूट फूट का शिकार है, और फिर चढ़ाई उतराई भी आती है इस पर। बाकी चिलम चेक पोस्ट जो है वो आगे गेट वे है देवसाई नेशनल पार्क का। अस्तोर से चिलम के रास्ते में काफ़ी खूबसूरत मनाजिर आते हैं, उसमें देवसाई से आते हुए नाले की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा करते हैं, और फिर अगर मौसम ओवरकास्ट हो जैसा कि हम जा रहे हैं तो फिर खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। रास्ते में लोकल पॉपुलेशन आती हैं मुख्तलिफ, लेकिन बेहतर है अगर स्नैक्स वगैरह इस तौर से ही ले लिए जाएं। चिलम चेक पोस्ट से जो राइट साइड पर रास्ता जाता है वो मिनी मर्ग, डोमेल, रेनबो लेक और ब्रजील टॉप की तरफ जाता है, जो लेफ्ट पर रास्ता है वो देवसाई और फिर देवसाई से होते हुए स्कर्दू की तरफ जाता है जहाँ हम जा रहे हैं। चिलम चेक पोस्ट पहुँच के यहाँ पे मिनी रेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट टाइप हैं, वहाँ पे आप कुछ खाना पीना, स्नैक्स लेने हैं या वाशरूम वगैरह होना है तो वहाँ से हो लें। उसके बाद जो है चेक पोस्ट पे एंट्री, और उसके साथ ही देवसाई नेशनल पार्क वालों की जो है वो एंट्री और एंट्री फी, ये मैंडेटरी है, लाजमी है। उसके बाद आप फिर देवसाई नेशनल पार्क दाखिल हो जाते हैं। जब हम गए थे 2021 में देवसाई, उस वक्त ब्रजील टॉप मिनी मर्ग वाली साइड पर जाने के लिए आर्मी क्लियरेंस होना ज़रूरी था, जिसका हमने बंदोबस्त नहीं किया था, इसलिए हम उस तरफ नहीं जा सके थे, क्योंकि वो जो ब्रजील टॉप मिनी मर्ग डोमेल का एरिया है वो कश्मीर बॉर्डर के करीब पड़ता है, जिसकी वजह से वो सेंसिटिव एरिया। बहरहाल आजकल उसके लिए वो क्लियरेंस की जो सख्ती है वो काफ़ी कम है, अब ज़्यादातर लोग इजीली जा सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अस्तोर वाली साइड से जब हम देवसाई एंटर होते हैं, सबसे पहले शियोसर लेक आती है, उसके बाद काला पानी जिसको छोटा पानी भी कहते हैं, फिर बड़ा पानी। बड़ा पानी तकरीबन जो है देवसाई के मिड में, हाफ रास्ते में, और उसके बाद शतुंग नाला, और फिर अली मलिक जिसको देवसाई टॉप भी कहते हैं, देवसाई का जो हम ट्रैक करते हैं रास्ते जाते हैं उसका तकरीबन हाईएस्ट पॉइंट है, और उसके बाद फिर देवसाई से एग्जिट होके सतपारा चेक पोस्ट। ये हम चेक पोस्ट क्रॉस करके देवसाई नेशनल पार्क एंटर हो रहे हैं, और ये एंटर होते ही व्यूज देखें कैसे कितने खूबसूरत मजीद हो गए हैं, और उसके अलावा लैंडस्केप कैसे चेंज हो।
ये जरा व्यूज चेक कर रहे हैं कि देवसाई कितनी हाइट पे है, कि बादल नीचे और देवसाई के जो पहाड़ हैं वो उनसे ऊपर है। देवसाई में आपको एक भी दरख्त नजर नहीं आएगा, क्योंकि देवसाई जो है वो ट्री लाइन से अब इसकी हाइट है। ट्री लाइन कहते हैं ऐसी हाइट को कि जिससे ऊपर दरख्त जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, तो यही वजह है। देवसाई जो सारा है वो तकरीबन कच्चा रास्ता है, 66 तक फिर भी कुछ रोड बना हुआ है, कुछ जगह से टूटा फूटा है, लेकिन उसके आगे सारा कच्चा रास्ता है। तो बेस्ट तो ये है कोई SUV या ऐसी व्हीकल जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है उसको यूज़ किया जाए, लेकिन कार्स भी इसमें देवसाई क्रॉस करती हैं। तो अगर कार अच्छी कंडीशन में है और वो कार है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, ज़्यादा लो नहीं है, और उसकी ब्रेक्स वगैरह उसके इंजन वगैरह अच्छी कंडीशन में, तो क्रॉस कर सकती है। शियोसर लेक जो है इसको देवसाई का दिल भी कहते हैं, और अभी तक इसके जो वाटर सोर्स है कि कहाँ से इसका पानी आता है उसका पता नहीं लग सका। शियोसर लेक पे हम आ गए, शदीद खामोशी है, जैसे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। शियोसर लेक हम क्रॉस कर रहे हैं, तब जा रहे हैं देवसाई से स्टोर से। बहुत प्यारी ये वेव्स आ रही है, देवसाई विजिट करने का बेहतरीन टाइम जो है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक है। उस वक्त देवसाई की खूबसूरती जो है अपने उरूज पर होती है। सी लश ग्रीन मेडोज और खिले हुए फूल, रंग बिरंगे बहते हुए पानी के चश्मे। जुलाई अगस्त में एवरेज टेम्परेचर जो है 5 डिग्री से 20 डिग्री होता है। जैसा कि अब ओवरकास्ट वेदर है तो इसमें 10 डिग्री उससे कम ही महसूस होगा। उसके साथ साथ सर्द हवाएं चल रही होती हैं, तो जैकेट और गर्म कपड़ों का बंदोबस्त लाजमी। ये देवसाई में गोल्डन मरमट, ये देवसाई टॉप के ऊपर अली मलिक के ऊपर ना बहन से बाशरूम के अंदर चला गया।